498A की FIR हो जाए तो उस FIR के बाद कोर्ट तक मामला चलने तक, यानी कि FIR से कोर्ट तक के मामले में पुलिस की क्या पावर होती है, इसके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। अक्सर लोगों के मुंह से निकलता है कि मैंने लाख रुपए थाने पे दे दिया, कुछ नहीं हुआ, कोई राहत नहीं मिली। मैंने लाख दो लाख वकील साहब को दे दिया, कुछ राहत नहीं मिली, कुछ नहीं हुआ। तो आज हम आपको बताते हैं, जब कभी भी 498A के आवेदन दिया जाए पत्नी के द्वारा, FIR हुई हो या ना हुई हो, जब कभी पहली बार आवेदन दिया जाएगा तो सबसे पहला काम आपके पास पुलिस वाले फोन करेंगे। यहीं से मामला स्टार्ट होता है। जब आपके पास फोन आए, सीधे आप जाएं, आप कुछ लोग कहते हैं जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, भाई जाइए, अपनी बात रखिए, लेकिन ध्यान रखें कि वो भी मजबूर है, महिला से संबंधित अपराध में महिला के खिलाफ कुछ नहीं करेंगे, आप ही के खिलाफ FIR भी दर्ज हो जाएगी। भले ही आप बहुत बात सही कह रहे हो, दुनिया भर का एविडेंस दिखा रहे हो, लेकिन FIR हो जाएगी। अब सवाल यह है कि FIR हो गई उसके बाद क्या करना चाहिए। जब FIR हो जाएगी, इन्वेस्टिगेशन के लिए भी पुलिस बुलाएगा, तो आप जाएं या न जाएं ये आपके ऊपर है। अगर पुलिस फोन करता है तो सीधे आप उसका पद पूछें, रैंक पूछें कि क्या अधिकार है आपका मुझे थाने पे बुलाने का, क्या मैंने अपराध किया है, तो वो बताएंगे। हाँ, अगर आपको जाने का मन है तो आप जाइए, नहीं जाने का मन है सीधे आप कहिए कि 41A की नोटिस भेजिए, तब मैं सोचूंगा कि मुझे आना है या नहीं आना है। ये रहा आपका अधिकार। तीसरी बात ये, लोग ये भी पूछते हैं कि भाई थाने पे पुलिस बुलाई नहीं गया तो ये सोच लेगा कि भाई ये अपराधी है। चलिए, तीसरी चौथी बात ये सोच लेगा कि भाई मैंने बुलाया नहीं आया तो भाई हो सकता है कि आए पुलिस वाला जेल भेज दे मुझे, या जेल भेजने की धमकी दे रहा है। तो ध्यान रखें, 498A 323 504 506 406 IPC या 3/4 DP एक्ट अगर है तो कभी भी पुलिस वाला आपको जेल नहीं भेज सकता, कभी नहीं जेल भेज सकता। थाने पे चाहे दो बार चार बार बुलाए, आप नहीं जाओगे फिर भी जेल नहीं भेज सकता, जब तक कि आप 41A की नोटिस आपको तामिला ना कराए। अब सवाल ये है कि 41A की नोटिस का तामिला हो गया तो भी नहीं भेज सकता, क्योंकि 7 साल से कम की सजा वाली धारा है। अर्नेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के मामले में, सतेंद्र अंटिल के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने साफ कर दिया है कि अगर 7 साल से कम की सजा है तो गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है किसी भी अभियुक्त को। चलिए बात कर लेते हैं कि अगर पुलिस फिर भी नाम काटने के नाम पे पैसे ले, या जेल भेजने के नाम पे पैसे ले, भैया ऐसा नहीं करोगे तो जेल भेज दिए जाओगे, तो ऐसे भी लोग हैं भाई, अमीरी गरीबी सब तरह के लोग हैं, ऐसे ऐसे अमीर लोग हैं, अमीरों के हाँ पैसे ज़्यादा निकलते हैं, तो लाखों रुपए तो नाम काटने के नाम पे लोग दरोगा को दे देते हैं। और मैं आज आपको बता रहा हूँ, एक रुपया ना दो, 10-20-50, हालांकि सभी मामलों में लोग ना देते हैं, सभी न पुलिस वाले ऐसा होते हैं कि सब पुलिस वाले ले ही लेते हैं, ऐसा भी नहीं है, लेकिन मैक्सिमम लोग दे भी देते हैं पुलिस वालों को। तो ध्यान रखें, सिर्फ 1,000-2,000-3,000 खर्च करके भी आप अपना नाम कटा सकते हैं। वो कैसे, जब भी आपको 41A की नोटिस मिले, आप उसका रिप्लाई फाइल कर दीजिए सारे सबूतों के साथ, पहला रास्ता। दूसरा रास्ता ये, आपको जब पता चले कि मेरे खिलाफ या मेरे परिवारी जनों के खिलाफ, रिश्तेदारों के खिलाफ 498A की झूठी FIR हो गई है, तो सीधे आप एक आवेदन दें, एक एप्लीकेशन दें वरिष्ठ अधिकारियों को, वो FIR लगाते हुए और उस FIR में लिखी बातों को काटते हुए, एविडेंस लगाते हुए कि ये FIR गलत है, झूठा है, फर्जी है, परिवार वालों का नाम इसमें गलत लिखा गया है, जिन्हें काटा जाना न्यायोचित एवं न्याय संगत है। वो एप्लीकेशन अगर जरूरत होगी तो हम लिख भी देंगे, बता भी देंगे आपको। दूसरी बात ये कि उस एप्लीकेशन में कुछ जजमेंट भी लगाने होते हैं, तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर जानकारी ले सकते हैं, यानी कि आप लाखों रुपए बर्बाद होने से आपका बच जाएगा। जो काम 2,000-3,000 में खर्च करके आप कर सकते हैं, वो भी आपके पास, वो सबूत भी रहेगा। जब कभी चार्जशीट फाइल होगी
तो भाई आप कोर्ट में कह सकते हैं कि हमने इनको सबूत भी दिया था, हमने इनके इनको एप्लीकेशन भी दिया था कि ये बात है, लेकिन हमारी नहीं सुनी गई, तो कोर्ट आपको राहत देगा। एक बात, अब यहाँ बात हो रही पुलिस की पावर की 498A के मामले में। तो देखिए, जब कभी भी वारंट होगा, यानी कि चार्जशीट चली गई, तब वारंट हो गया, अगर आप जमानत नहीं कराए हैं तभी पुलिस गिरफ्तार करेगी, वरना आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती है वारंट की कंडीशन।